ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ತೀಸರೇ ಸ್ಕಂಧ ಮೇ ಹಮ್ ಜೋ ಸಂವಾದ ಹೈ ವಿದುರ್ ಔರ್ ಉದ್ಧವ್ ಉಸ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಭೀ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪೆ ಪಾರ್ಶ್ವಭೂಮಿ ಯಹ ಹೈ ಕಿ ವಿದುರ್ ಜಬ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಉನ್ಕಾ ಬಡಾ ಅಪಮಾನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತಭಿ ವೇ ರಾಜ್ಯ ಛೋಡ್ ಕೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾತೆ ಹೈ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾ ಜಾತೆ ಹೈ और जब जा रहे होते हैं तब वहाँ पे उनको उद्धव मिलते हैं. तो अभी उद्धव जो है विदुर से एक पीढ़ी छोटे हैं. जैसे विदुर जो है उनके एक पिता के समान, पिता के उस उम्र के हैं. पर उद्धव हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं और कृष्ण के बहुत ही करीब के भक्त हैं, करीब के पार्षद हैं. तो पिछले दो अध्यायों में बताया गया है कि कैसे विदुर जब कृष्ण सारे द्वारकावासियों के खुशहाली के बारे में पूछते हैं तभी उद्धव एक दिव्य आनंद से भगवान की स्मृति में लीन हो जाते हैं. और फिर भगवान की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन पिछले दो अध्यायों में आया है. और अभी कि भगवान यह जगत छोड़ के पुनः चले गए हैं भगवत धाम, यह बहुत ही दर्दनायक जानकारी देने के बाद क्या कर रहे हैं, अभी भगवान ने उनको क्या करना है ये बताया है कि अभी आप बद्री का आश्रम जाओ, वहाँ पे नरनारायण ऋषि है और वहाँ पे जाके जो मैं भगवान ने उद्धव जी को बताया था कि जो मैंने आपको ये उद्धव गीता बताई है वो जाके वहाँ पे वो ऋषियों को बताओ और उनका संग आप लो. तो अभी ये इस श्लोक में जो नरनारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में रह रहे हैं उसका उसके बारे में वर्णन आ रहा है. तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय भी वो विख्यात जगह थी बद्रिकाश्रम. तो इस श्लोक में बद्रिकाश्रम का उल्लेख नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से. क्यों, क्या है, यह सबको जानते हैं. अगर हम कोई कहते हैं कि मैं भारत की राजधानी को गया था तो साधारणतः हम समझेंगे कि जो ऐसे मैं किसी को बता रहा हूँ तो जिनको मैं बता रहा हूँ उनको भारत की राजधानी क्या है ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं नाम लूँगा. तो अगर मैं बता रहा हूँ कि भारत की राजधानी गया हूँ तो फिर शायद वो राजधानी में कुछ ऐसे काम था उसके कारण मैं गया था. और वो सिर्फ वो नाम लेने की जगह से उस जगह का क्या महत्व है वह बताया जा रहा है. तो बद्रिकाश्रम का नाम नहीं लिया जा रहा है पर यहाँ पे बद्रिकाश्रम की विशेषता क्या है ये बताई गई है और उस विशेषता से उस जगह के बारे में बताया जा रहा है. तो अगर मैं कहूँगा कि मैं अभी ही उस देश से आया हूँ जिस देश को आजकल की दुनिया में सबका दुनिया का सुपर पावर मानते हैं, तो जिनको पता है थोड़ा बहुत समझाएगी मैं अमेरिका से आया हूँ. तो उस तरह से यहाँ पे ये इनडायरेक्टली बताया जा रहा है. भागवतम ये एक काव्य है, काव्यात्मक ग्रंथ है, इसलिए कई बार ये जो चीज़ है वो इनडायरेक्ट संकेत के भाव से बताई जाती है. और उससे क्या होता है, उससे जब जो वक्ता और श्रोता है उनमें एक स्पेशल कनेक्शन होता है कि जो जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ वो तुम भी जानते हैं हम भी जानते हैं. और अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया किसके बारे में बात कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा. तो अगर ऐसा कोई उल्लेख हो रहा है जिसका संकेत है वास्तव में स्पष्ट उल्लेख नहीं है उसका मतलब क्या है, वो संकेत समझने वाले लोग वहाँ पर है. और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि बद्रिकाश्रम तभी भी विख्यात था कि संकेत से ही जो श्रोतागण है वो समझ रहे हैं किसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं. तो इस जगह के क्या विशेषता है, वहाँ पर तो व्यक्ति है वो विशेष है. यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि, वहाँ पे नर नारायण ये दो व्यक्ति रहते हैं. तो अभी नर नारायण ये भगवान के अलग अलग अवतारों में एक बहुत ही विशेष अवतार है. क्या क्या विशेष है उनके बारे में, सबसे पहले विशेष ये है कि वे जुड़वे हैं.
they are considered twins. वो दो व्यक्ति हैं पर बिल्कुल एक समान दिखते हैं, और ये भगवान का एक अवतार है पर वो दो रूप में है. पर उसके साथ साथ इतना ही नहीं है, यह इसके बारे उनके बारे में एक और अलग चीज़ है कि कभी कभी उनको भगवान के एक अवतार के बारे में बताया कि अवतार बताया जाता है, पर कभी कभी उनको महाभारत में खास करके बताया गया है कि ये वास्तव में कौन है, कृष्ण और अर्जुन. जो ऐसे बताया गया है महाभारत में कि जो कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे आए हैं वे पहले नारायण और नर थे. अभी भगवान और जी, अभी हम कहते हैं अगर नारायण भगवान है, नर तो एक नर नाम से मानव है वो, तभी भगवान और मानव अभी जुड़वे कैसे हो सकते हैं. वास्तव में यह कैसे है, यह भगवान की लीला के रूप में है. भगवान अलग अलग प्रकार से अलग अलग लीलाओं में अलग अलग रस अनुभव करना चाहते हैं. तो अभी भगवान, अभी कृष्ण आते हैं तो उनके साथ उनके भाई बलराम होते हैं. तो अभी भगवान कभी छोटे भाई का रस अनुभव करना चाहते हैं, कभी बड़े भाई का रस अनुभव करना चाहते हैं. तो बड़े भाई का रस वो कब अनुभव करते हैं, राम और लक्ष्मण के रूप में. तो फिर छोटे भाई का रस अनुभव करते हैं कृष्ण के रूप में. पर अभी जुड़वे भाई का भी रस एक अलग ही होता है. तो वो जो जुड़वे भाई का रस है या वो रस भगवान नर नारायण के रूप में अनुभव करते हैं. तो कई बार ऐसे होता है कोई दो व्यक्ति जुड़वे होते हैं तो उनमें न केवल शारीरिक समानता होती है पर कभी कभी उनमें एक तरह से एक जेनेटिक कनेक्शन भी होता है कि मतलब एक को अगर कोई खतरा हो गया है तो दूसरे को भी कुछ डर लगता है, सहम जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ भी समस्या है. तो अभी ये कैसे होता है, ये क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह पे होगा, दूसरा व्यक्ति बहुत दूर होगा, पर वो दोनों में जो संबंध है वो जुड़ाव है. तो अभी जुड़वा और जुड़ाव शब्द जो है तो वो जुड़वे हैं पर उनमें जो जुड़ाव जो है जो वो जोड़े गए हैं केवल शरीर की समानता से नहीं है. वास्तव में वो दोनों क्या है कि वे बिल्कुल विचारधारा में वो एक समान नहीं है. हर एक का अपना व्यक्तित्व है पर उनमें कोई एक मिस्टिकल कनेक्शन होता है, एक अद्भुत जोड़ होती है. और इसीलिए जब नरनारायण कभी युद्ध करते हैं तो वो युद्ध करते होते हैं तो एक समय एक व्यक्ति आ जाएगा वो युद्ध करेगा. तो अभी एक उनकी जो लीला है वो कैसे वो अपने जुड़वेपन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह एक महाभारत की सुंदर लीला में बताया गया है. एक राक्षस था जिसका नाम था सहस्र कवच, और ऐसे बताया गया कि यह सहस्र कवच वास्तव में अगले जन्म में यह कर्ण के रूप में जन्मा था, और कर्ण जो है उसको एक कवच था, सहस्र कवच के सहस्र कवच थे, 1000 कवच थे. और उसका वर ऐसे ऐसे वर प्राप्त किया था उन्हें देवताओं से कि उसके कवच को तोड़ना बड़ा मुश्किल था. और जैसे ही उसके कवच को तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को एक बहुत लंबे समय तक शास्त्र में वहाँ पर बताया गया 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा, पर जैसे ही वो कवच टूट जाएगा वो व्यक्ति गिर जाएगा मृत होकर. तो अभी इतना मुश्किल था, सबसे पहले उसको मारना ही मुश्किल है, पर मार भी देंगे तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति मर जाएगा. और जो व्यक्ति उसको मारना है उस व्यक्ति को तपोबल अर्जित करना चाहिए, और उसको 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी तपोबल अर्जित करने के लिए. तो अभी 1000 साल तक युद्ध करो, 1000 साल तक तपोबल अर्जित करो, और उसके बाद में एक कवच तोड़ो. तो इस तरह से 1000 कवच तोड़ने हैं, तो ये कौन कर पाएगा ऐसे, तो एक ही व्यक्ति कर पाते थे. वास्तव में एक नहीं, दो व्यक्ति. कौन थे वो, नरनारायण ऋषि. तो उन्होंने क्या किया, जब इस सहस्र कवच को युद्ध करना था तो पहले नारायण ऋषि जो थे वे तपस्या में बैठ गए, और फिर नर उनसे युद्ध करने लगे, और 1000 साल तक युद्ध करके जैसे ही
वो उसका कवच तोड़ दिया और नर मृत होकर गिर गए। तो तब तक जो नारायण ऋषि ने बड़ी तपस्या की, तपस्या से तपोबल उन्हें प्राप्त कर लिया होता है, वो तपोबल से एक उस तपोबल के एक हिस्सा से वो नर को पुनः जीवित कर देते और फिर वो स्वयं युद्ध करने लग जाते थे। और तभी नर 1000 साल तक युद्ध करने बैठ जाता था, सॉरी 1000 साल तक तपस्या करने बैठ जाता था, और नारायण तभी युद्ध करते थे। और जैसे ही नारायण युद्ध करके 1000 साल रखे युद्ध करके उसका कवच तोड़ देते थे, तो उसके बाद में नारायण गिर जाते थे, पर तभी नर उठ जाते थे कि ना। और नारायण क्या करते थे, वो गिर जाते थे पर नर तब तक जो उन्होंने तपस्या की है उससे वे जो तपोबल नारायण को दे देते थे और वो खुद युद्ध करते थे। और इस तरह से एक 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 करके उन्होंने उसके 999 कवच थे वो तोड़ दिए। और जब उसने देखा कि अभी एक ही कवच बचा है, अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ से भाग गया और भाग के उसने शरण ले ली सूर्यदेव की। अभी उस समय क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रियों का ऐसे भाव होता था कि अगर कोई उनके शरण में आता है तो उसको शरण लेना चाहिए। अभी हर बार ऐसे करना ही चाहिए ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि क्या है कि एक नियम का एक शब्द होता है और नियम का एक उद्देश्य होता है, इज़ द लेटर ऑफ द लॉ एंड इज़ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो कई बार ऐसे होता था कि कोई साधारण अगर शरण ले रहे हैं हम, तो उसका भाव क्या है कि न केवल मैं अभी आपके आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ, पर मैं आपके इच्छा के अनुसार कार्य करूँगा, मैं आपका सेवक बनूँगा। क्योंकि तो इस दुनिया में हमको इंग्लिश में कहते हैं नो फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड, कुछ भी हमको मुफ्त नहीं मिलता है। आजकल इंटरनेट में बहुत कुछ ऐसा लगता है कि फ्री फ्री फ्री, तो वेन एवर एनी प्रोडक्ट इज फ्री नो दैट यू आर द प्रोडक्ट। तो अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री मिल रहा है, मतलब क्या है, वो आपको ही पकड़ रहे हैं, उससे वो फ्री चीज़ देकर आपके दिमाग को आपकी चेतना को पकड़ रहे हैं। तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे अपेक्षा यह है कि अगर आप किसी शरण में आ रहे हो तो वो आपको शरण दे रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को उस जिसके शरण में गए हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो आप अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, कोई आसुरी व्यक्ति है तो उसको आसुरी प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। पर कई बार जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह इस शरणागति के तत्व का दुरुपयोग करते हैं और वह केवल खतरे में होते समय शरण में जाते हैं और बाद में जैसे ही खतरा चला जाता है तो पुनः अपने आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो ये सहस्र कवच ने ऐसे ही किया। अभी सूर्यदेव भी मूर्ख नहीं थे, सूर्यदेव समझ गए थे कि इसका जो भाव है कि यह असुरी प्रवृत्ति का ही है, और क्योंकि उनके शरण में था तो इसलिए भी क्या करें, शरण तो दे दी थी उन्होंने। फिर बाद में जब कुंती ने दुर्वासा मुनि ने जो मंत्र बोला था कि अगर ये मंत्र बोलेंगे तो आप देवताओं को बुला के देवताओं से एक संतान प्राप्त कर सकते हैं, तो कुंती तभी अविवाहित युवती थी और तभी कुंती ने वो मंत्र एक्सपेरिमेंट के लिए, अनुभव के लिए, क्या सचमुच ऐसे होगा कि छोटे बच्चे को अगर कोई किसी को जानते नहीं है क्या होगा, तो कोई खिलौने जैसे कुछ दे दिया है तो इस वो बोलेंगे इस ये आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, सही में हो जाएगा ऐसे, किसी ने अगर टीवी देखा नहीं है तो यहाँ पर ये बटन दबाओगे तो यहाँ पे एक बड़ा मूवी चालू हो जाएगा, चित्रपट चालू हो जाएगा। अच्छा दबा के देखते क्या होता है, दबा दे अरे चालू हो गया। तो कुंती का भाव वैसे था ये मंत्र से क्या होगा, तो सही में सूर्य वहाँ पर आ गए। वो सूर्य की क्या इच्छा थी कि ये जो ये असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसको मेरे साथ मैं रखना नहीं चाहता, इसलिए उसने दे दिया कुंती को। कुंती बोली मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी। नहीं एक्सपेरिमेंट, तुमने मुझे बुलाया है, अभी जब देवताएं आते हैं तो उनको वर देना ज़रूरी है, अगर देवता को बुलाते हैं और देवता वर नहीं देते हैं तो फिर वो देवताओं का अपमान हो जाता है, जैसे कि वैसे देवता वो अक्षम है, सक्षम नहीं है वर देने के लिए। तो उसके कारण कुंती के पास तभी कर्ण आ गया और फिर वो उसको संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उनको बड़े प्रार्थनाओं के साथ एक नदी में एक लकड़ी के डब्बे में बड़े जेवर वगैरह डाल के रख दिया, जिससे कि
वो देवताओं को प्रार्थना कर रहे थे कि यह अच्छे सही सलामत किसी के पहुँच जाए, और जेवर वगैरह थे जिससे कि जो भी उसको देखे समझे कि ये साधारण बालक नहीं है, बड़े अच्छे रईस परिवार का है, इसलिए इसके लिए इसके अच्छी देखभाल करनी चाहिए। पर वो कहानी अलग है। पर यहाँ पर मैं, हमारी कहानी किसके बारे में है? नरनारायण ऋषि के बारे में। तो ये जो जुड़वे होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों भगवान जो जुड़वेपन का जो प्रेम है वो इसमें अनुभव कर सकते हैं, और जो एक साथ कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसे करना है, विचारधारा कैसे करनी है, और कैसे कभी कभी होते दो व्यक्ति जो होते हैं अगर उनमें अच्छा संबंध है तो क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ आँखों से देखता है किसी को, समझ जाते कैसे करना चाहिए उनको। कि कभी कभी ऐसे होते हैं दो लोगों में संबंध अच्छा नहीं है, एक व्यक्ति बोलता है तुम ऐसे करो, फिर भी दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। पर कभी का संबंध अच्छा होता है, सिर्फ आँखों से थोड़ा सा कुछ, आँखों का दूसरे व्यक्ति को लगेगा भी नहीं कुछ आँखों से उसने कहा है, पर वो दोनों का संबंध इतना अच्छा हो जाता है कि समझ जाते अच्छा ऐसे करना चाहिए। तो वह जो जुड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हर जो भी अगर कोई जुड़वे है दे आर जेनेटिकली सिंक्रोनाइज्ड। तो क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जिसके कारण हम इसके अनुसार हमारे शारीरिक जो गुण हैं वह प्रकट होते हैं, तो वो एक समान होते हैं जुड़वों में। पर कुछ कुछ जुड़वे जो होते हैं दे आर नॉट जस्ट जेनेटिकली सिंक्रोनाइज्ड, दे आर ऑल्सो कर्मिकली सिंक्रोनाइज्ड। तो उनका कर्म भी बिल्कुल एक समान होता है। ऑफकोर्स व्यक्तित्व तो अलग ही होता है, पर यह जो विशेष रस है वह नरनारायण ऋषि अनुभव करते हैं। और अभी नरनारायण ऋषि जो है वह एक और तरह से एक विशेष अवतार है। कैसे है, साधारण अभी कुछ कुछ भगवान के अवतार होते हैं वह जब आते हैं तभी वे अपने अनेक पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे राम कृष्ण आते हैं तो अनेक पार्षदों के साथ आते हैं, नरसिम्ह देव आते हैं तो वो उनके एक पार्षद के लिए आते हैं जो पहले ही आ चुका है, कौन है वो, प्रहलाद। और बाद में लक्ष्मी देवी और आदि देवता आकर उनको प्रार्थना करते हैं। तो पर ये जो नर नारायण है वो हमेशा साथ में रहते हैं, और साधारणतया नर नारायण जो है उनके साथ कभी लक्ष्मी देवी का दर्शन नहीं किया जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि जो नर नारायण ऋषि जो है वह एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं, और वो भूमिका है तपस्या की। कि इस जगत में अलग अलग प्रकार के कार्य करना ज़रूरी है, और उनमें से एक कार्य है तपस्या। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणः। भगवान भगवीता में बताते हैं कि यज्ञ दान तप ये तीन चीज़ें जो है सबको करनी चाहिए जिससे कि हम शुद्ध हो जाए। तो हम सब जो मानव है वह तीन प्रकार के चक्रों में, तीन प्रकार के क्षेत्रों में उपस्थित है। एक क्षेत्र है हमारा शरीर, शरीर मन, एक दूसरा क्षेत्र है समाज, और तीसरा क्षेत्र है निसर्ग। और इन तीनों क्षेत्रों के प्रति, इन तीनों क्षेत्रों से हम कुछ प्राप्त करते हैं। हम शरीर से शक्ति मिलती है हमको, शरीर से हम कुछ कार्य कर सकते हैं, समाज से लोग हमें मदद करते हैं, हम सब सामाजिक रूप में वास्तव में वी आर सोशल क्रिएचर्स, हम लोगों के बिना नहीं रह सकते हैं। और निसर्ग की जो देन है हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ही कृत्रिम समाज में रहते हैं तो फिर हमारे निसर्ग पे निर्भरता जो है कितनी, वह शायद हम समझेंगे नहीं। मैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका में था, तो वहाँ पे मैं एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, तो उसके बाद में एक प्रोफेसर मुझसे बात कर रहे थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि आजकल लोग कृत्रिम समाज में रह के कितने अनकॉन्शियस हो गए हैं, कितनी उनकी चेतना बहुत ही सीमित हो गई। कि एक सर्वे किया गया था कि छोटे बच्चों को, 7, 8, 10 साल के बच्चों को पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है, तो लगभग 95% लोगों ने बताया दूध फ्रिज से आता है। अभी दूध गाय से आता है ये किसी को पता ही नहीं है। तो जो चेतना है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। ये ऐसे कहना है पानी कहाँ से आता है, नल से आता है,
ठीक है, वो सही है, पर नल में पानी कहाँ से आता है? वो हमारी चेतना क्या कहती है कि जब हम बहुत ही भोग और हमें क्या आनंद है उसके बाद सोचते हैं, तो फिर बाकी सब चीज़ों के बारे में हमको सोचने के ज़्यादा समय होता ही नहीं है। पर हम सब भले ही हमारी चेतना हो या ना हो जागृत, फिर भी हम निसर्ग पे निर्भर हैं। तो अभी इन तीनों क्षेत्रों से हमको, हम उन पे निर्भर हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, पर तीनों क्षेत्रों से हमको दुख भी मिल सकता है। जो तीन क्लेश होते हैं ये तीन क्षेत्रों से आते हैं। शरीर और मन से कौन सा क्लेश आता है? आदि आत्मिक जो है, उससे हम जो चीज़ हमको इस भौतिक जगत में आश्रय देता है वही चीज़ हमको निराश्रय भी बना सकता है। कई व्यक्ति है अगर उसका शरीर पूरा टूट जाता है, हजारों बीमारियां ऐसे हैं जिससे कि शरीर में व्याधि आ सकती है, अशेष रुजाम विरोह, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये शरीर जो है यह अनंत व्याधियों बीमारियों की उगम का जगह है। ये इस तरह से अशेष रुजाम विरोह, मैं कनाडा में था तो एक भक्त बता रहे थे मुझे, एक व्यक्ति बताए थे, भक्त बन रहे हो, कहते कि उनको ऐसी बीमारी हुई थी कि आज तक विश्व के इतिहास में किसी को बीमारी नहीं हुई है। अच्छा, तो और बड़े गर्व से बता रहे थे वो, बोले एक गर्व अलग अलग पद से आ सकता है। तो क्या बीमारी थी? बोले क्या हो गया कि उनके कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनके कान पर बाल आ जाते हैं, तो बोले कि उनके कान के अंदर बाल आ गया था और कान के अंदर वो बाल आके पूरा अंदर से बाहर आ गया था और वो बाल के हिलने के कारण उनका पूरा कान खराब हो गया था। तो उनको बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी सर्जरी करनी पड़ी थी और जो डॉक्टर ने बताया कि आज तक इस दुनिया के इतिहास में ऐसी सर्जरी किसी ने नहीं की है। तो अभी कान के अंदर बाल आके पूरा कान को ख़राब करना, अभी एक बाल, अभी बाल क्या करेगा? पर इस दुनिया में अलग अलग प्रकार से दुखा सकते हैं। तो जो है शरीरों से दुखा सकता है, लोगों से दुखा सकता है। एक यूरोपियन तत्वज्ञानी थे, उनको पूछा गया था कि आप नर्क को मानते हो क्या? अभी नास्तिक थे इसीलिए अपेक्षा थी कि नर्क को नहीं मानता मैं। बोले हाँ, नर्क को तो मानता हूँ मैं, नर्क ज़रूर है। क्या नर्क क्या है? बोले हेल मीन्स अदर पीपल। नर्क मतलब क्या? दूसरे लोग। जिस व्यक्ति को हमेशा दूसरे लोगों से बड़ा दुख मिला है वो सोचता है कि नर्क मतलब दूसरे लोग। बड़ा ही नकारात्मक भाव है रिश्तों का, बड़ा ही नकारात्मक भाव है लोगों का, पर कई बार लोगों को दुख मिलता है ऐसा। तो यह है आधी भौतिक क्लेश और तीसरा है आधी आत्मिक क्लेश, आधी दैविक क्लेश, वह है निसर्ग से आता है। तो अभी क्या शास्त्र में बताया गया है, ये तीनों जो क्षेत्र है जिनमें हम रहते हैं उनके प्रति हमें कुछ अर्पण करना चाहिए। तो तप जो है वह हमारे शरीर और मन के लिए अर्पण करते हैं, यज्ञ जो है हम वो निसर्ग के लिए अर्पण करते हैं, और दान जो है वह हम दूसरे जीवों के लिए अर्पण करते हैं। तो इस तरह से हम अगर किसी से भी कुछ ले रहे हैं तो हमें उन्हें कुछ देना चाहिए, यह आदान प्रदान का नियम है। तो तप जो है वह हर एक व्यक्ति को करना ज़रूरी है। अभी किस प्रकार से कोई तप करता है वह भाव, वो देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, पर जो तपस्या है वह मानव के लिए महत्वपूर्ण है। और वास्तव में हम कह सकते हैं कि तपस्या का मतलब क्या है? सिर्फ एक ऐसे आसन में बैठ के उपवास करना, यह तपस्या नहीं है। वह एक प्रकार की तपस्या है, पर तपस्या का जो सार है, जो एसेंस है कि टू ट्रेड द प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, कि हम वर्तमान का त्याग करते हैं भविष्य की प्राप्ति के लिए। हम वर्तमान, तपस्या का सार क्या है कि वर्तमान का त्याग भविष्य की प्राप्ति के लिए। अभी सारे जीव जो है वह अपनी शारीरिक जरूरतों के अनुसार, शारीरिक इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। और कुछ दिन पहले एकादशी थी, मान लीजिए एकादशी के दिन अगर बिल्ली एक चूहे को देखती है
तो बिल्ली नहीं कह सकती अरे आज एकादशी है उपवास करना चाहिए, नहीं, क्योंकि क्या है उसको भूख लग गई खा लेंगे। तो जो भी शरीर की इच्छा होती है उसके अनुसार कार्य होता है, मानव भी वैसे ही करते हैं, पर मानवों में क्षमता है ये कि वैसे अगर चाहे तो न करें। और यह जो क्षमता है, द डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज दिस कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस, कि त्याग करना यह मानव और जानवरों में प्रधान फर्क है। और जिस भी क्षेत्र में मानवों ने जानवरों से अधिक प्रगति की है, वह भले कला हो, हमने भाषाएं बनाई हैं, ग्रंथ लिखे हैं, शिक्षण प्राप्त किया है, तो अभी कोई विद्यार्थी शिक्षण कर रहा है तो क्या कर रहा है वास्तव में, एक तरह से तपस्या कर रहा है। क्यों, क्या है युवक अवस्था में अलग अलग प्रकार से लोग भोग कर सकते हैं, पर वो फैसला करते हैं कि नहीं अभी मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि इससे मेरा भविष्य और अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई वो तपस्या नहीं करता है तो फिर क्या होता है, उनका भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं होता है। अगर हम वर्तमान को त्याग नहीं करते हैं भविष्य के लिए, तो फिर हमारे पास भविष्य में जो हमें चाहिए वो वास्तव में नहीं रहता है। तो एक तरह से त्याग मतलब क्या है कि द प्रेजेंट मी इज सैक्रिफाइजिंग फॉर द फ्यूचर मी, वर्तमान में जो मैं व्यक्ति हूँ यह भविष्य में जो मैं होने वाला हूँ उसके लिए त्याग कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई हम किसी एक द्वीप में फंसे हुए हैं और हमारे पास एक सीमित मात्रा में अन्न है, तो शायद वो अन्न हम अभी खा सकते हैं, पर खा लेंगे सारा अभी तो फिर भविष्य में कुछ अन्न नहीं रहेगा। पर हम फैसला करते हैं कि नहीं, मैं अभी इतना खाऊंगा और ये भविष्य के लिए होगा। तो उसी तरह से हम जब त्याग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान का मैं हूँ वो भविष्य के मैं के लिए कुछ छोड़ रहा है या कुछ तैयार कर रहा है। तो यह तपस्या करना ये हर एक मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, भौतिक जगत में प्रगति करने के लिए भी एक तरह से ज़रूरी है। जो विद्यार्थी होते हैं अगर वो शिक्षण कॉलेजेस में वगैरह है, तो उनमें भी दो भाव होते हैं, एक भाव है आई वॉन्ट टू बी द एन्जॉयर, दूसरा भाव है आई वॉन्ट टू बी द अचीवर, मुझे भोग करना है, मुझे कुछ प्राप्ति करनी है, मुझे अच्छे गुण अंक प्राप्त करने हैं, मुझे ग्रेड प्राप्त करना है, मुझे टॉपर बनना है। तो अभी अगर अचीवर बनना है तो उनके एन्जॉयर, उनके जो प्राप्ति करने के लिए उनको जो भोग करने का भाव है उसका त्याग करना। तो अमेरिका में अभी ऐसे हो गया है कि जैसे भारत में रिजर्वेशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में कि इतने इतना परसेंट इन लोगों को कोटा देना चाहिए, इतना परसेंट इन लोगों को कोटा देना चाहिए। तो क्या हो गया है, अमेरिका में अमेरिकन विद्यार्थियों ज़्यादा पढ़ाई करते ही नहीं है, तो भोग का भाव ज़्यादा है। तो इसीलिए उनका विचार है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर हम केवल मेरिट पर विद्यार्थियों को एडमिशन दे देंगे तो केवल भारत और चाइना के जो विद्यार्थी हैं वो पूरे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को टेक ओवर कर लेंगे। क्योंकि ये भारत और चाइना में क्या है, लोकसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोकसंख्या ज़्यादा होने के कारण स्पर्धा है, और उस स्पर्धा में जीवित रहने के लिए भी मेहनत करना, त्याग करना ज़रूरी होता है। तो जिन देशों में काफ़ी कंफर्ट है, काफ़ी सुविधा है, तो त्याग करने का भाव नहीं रहता है, और त्याग करने का भाव नहीं रहता है तो फिर वृद्धि नहीं होती, प्रगति नहीं होती है। तो जो किसी भी क्षेत्र में अगर प्रगति करनी है तो तप करना ज़रूरी है। तो नर नारायण ऋषि जो है वो अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि तप कैसे करना है। और अगर दुनिया में कुछ भी अगर चीज़ हमें करनी है जो बड़ी मुश्किल है, तो एक तरह से वो आसान होती है अगर हम किसी के साथ वो करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है कि हम सबके अंदर हमारा मन होता है, और हमारा मन कई बार हमारी जो इच्छा है या जो हमारा इरादा है उसके विपरीत बोलते रहता है। अगर हम मान लीजिए कोई तपस्या कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है या एकादशी का उपवास करना है या कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाना है, लंबा गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, वृंदावन की परिक्रमा करनी है, ये बहुत मुश्किल है, थक गया हूँ, नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत हो गया, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मन जो है हमेशा ना बोलते रहता है। तो क्या है कि अगर बाहर से अगर हमको कोई बोलेगा अरे तुम ये मत करो, नहीं मैं करने वाला हूँ,
मैं कर कहीं हम वाले उपवास कर रहे हैं और कोई आके बोलता है, अगर हमारे कोई रिश्तेदार आके बोलता है कोई मित्र, तुम इतना उपवास क्यों कर रहे, छोड़ दो, नहीं नहीं ये मेरा इरादा है मैं करने वाला हूँ, पर वही मन अंदर से आके बोलता है छोड़ दो उपवास, हाँ छोड़ देता हूँ ठीक है। तो क्या होता है, मन अंदर होता है, सो द माइंड इज कॉन्स्टेंटली हाइडिंग एंड इज कॉन्स्टेंटली रेडी टू गिव अस अ हाइडिंग। हाइडिंग मतलब पीटना, हाइडिंग मतलब छिपना। तो मन अंदर छिपा हुआ है और छिपके वो बार बार बोलता है ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और पीड़ित करते रहता है व्यक्ति को। तो क्या है, अगर हम बाहर देखते हैं कोई और दूसरे व्यक्ति भी जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हमको सुबह उठना है और हम सुबह उठ जाते हैं और तभी घर में बाकी सब लोग सोए हुए हैं, देखिए सब सोए, मैं भी सो जाता हूँ, पर अगर हम सुबह उठते हैं और देखते हैं सोना है मुझे, पर बाकी देख सारे सब उठ गए, मुझे भी उठना चाहिए, तो क्या होता है, दुसमूह में शक्ति होती है। तो इसलिए ये नरनारायण ऋषि क्या कर रहे हैं, वो तपस्या करने में, वो दोनों जुड़वे भाई है पर वो साथ में तपस्या करते हैं, और साथ में जब तपस्या करते हैं तो उसमें जो उसका एक विशेष रस है, क्योंकि अगर जब हमारा मन हमको परेशान करता है तो दूसरा कोई व्यक्ति हमें प्रेरणा देता है, जब उनका मन उनको परेशान करता है तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसीलिए दूसरों के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो वही भक्तों के संग का भी महत्व है। तो नरनारायण ऋषि तपस्या करते हैं, तपस्या कैसे हमें दूसरों के साथ करनी है वह दर्शाते हैं, और यहाँ पर एक सुंदर शब्द है, क्या है कि मृदु तीव्रम, यत् नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम, वे तपस्या कर रहे हैं दीर्घकाल तक तपस्या कर रहे हैं और तीव्र तपस्या कर रहे हैं, पर मृदु वे बड़े मधुर है, उनका जो भाव है सबके प्रति बड़ा स्नेहपूर्ण है, और यह सबसे बड़ी चुनौती है कि जब हम कोई चीज़ करने में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तीव्रता से करते हैं, तो तभी दूसरे लोग जो उस तरह से नहीं कर रहे हैं उनके प्रति हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, उनके प्रति तुरंत नहीं, मान लीजिए उनके प्रति हम उनको नीचा देखने लगते हैं, उनको नीचा देखने लगते हैं। मैं कभी सोचा था कि क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सब में दोष देखते हैं, कि जो भी दिखता है उसमें वो दोष देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई भी समस्या हो उसका हल निकालते हैं, और कुछ लोग होते हैं कोई भी हल हो उसमें समस्या देखते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे है जो हमेशा दोष देखता है, तो अभी क्या है, एक तरह से दोष देखने में हमारे जो अहंकार है उसको थोड़ा आनंद मिलता है, एक विकृत आनंद मिलता है, देखो मैं इतना बुद्धिमान हूँ, सब लोग कह रहे हैं अच्छा है पर इसमें दोष देख सकता हूँ मैं। वास्तव में एक कलयुग जो है ये दोषों से भरा हुआ है, तो कलयुग में दोष देखना उसके लिए उतनी ही बुद्धि लगती है जितने कि कोई व्यक्ति सागर में खोया हुआ हो और उसको पानी ढूंढने में लगती है। इस सागर में पानी हर जगह पे है, अगर कुछ ढूंढना है तो वहाँ पे ज़मीन कहाँ पे है ढूंढो, उससे आप सागर से छूट सकते हो। तो कलयुग में अगर दोष ढूंढना है तो बहुत आसान है, क्योंकि दोष हर जगह पे है, पर अगर हम तपस्या करते हैं और कोई किसी क्षेत्र में किसी कार्य में दूसरों से ऊंचा स्तर में रह रहे हैं तो फिर क्या होता है, उससे एक प्रकार का अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण जो भी वो ऐसे नहीं कर रहा है उनको हम नीचा देखने लगते हैं, और उससे इसीलिए ऐसे बताया जाता है कि जहाँ पे तपस्या होती है तो ऑस्टेरिटी ऑफन मेक्स पीपल हार्ड हार्टेड, जो तपस्या करते हैं तो लोग वो कभी कठोर दिल के बन जाते हैं, जो मान लीजिए निर्जल उपवास कर लेते हैं, वो दूसरा कोई अगर पानी पी रहा है अन्न खा रहा है, उपवास करो क्यों पानी पी रहे हो तुम, ऐसा हो जाता है, तो वो उनको कहते हैं तुम में इतना तपोबल, तुम इतने सीरियस भक्त नहीं हो, तुम तपस्या नहीं करते हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ ये एक सत्य है कि तपस्या करना, यह उपवास करना, यह एक तरह से हम भक्ति में गंभीरता हमारे दिखा रहे हैं, पर अलग अलग प्रकार के अलग लोग होते हैं, अलग लोगों का शरीर अलग अलग होता है, कुछ शरीर के लिए तपस्या करना आसान होता है, कुछ शरीर के लिए तपस्या करना मुश्किल होता है,
आयुर्वेद में भी बताया, आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि जिन लोगों का शरीर कफ का है उनको तपस्या उपवास करना काफ़ी आसान होता है, जिनका वात शरीर है, पित्त, खास करके पित्त शरीर है, उनको तपस्या करना मुश्किल होता है। अभी ऐसे नहीं है कि अब हमको भूख लग गई और तपस्या करना मुश्किल हो तो हम कह ले मेरा शरीर वात पित्त का है इसलिए मैं उपवास नहीं करूँगा, ऐसा भाव नहीं है। पर हमें क्या करना है कि हमें हमेशा दूसरों को ऐसा किस भाव से देखना है कि सेवा भाव से देखना है। तो सेवा भाव मतलब कि मान लीजिए इस व्यक्ति इस स्तर पे है, कभी कभी हमें लोगों को ऊपर उठाना है, कभी कभी हम लोगों को जहाँ पे है वहाँ पे ही उनको इनकरेज करना है, वहाँ पे उनको आश्वासन देना है कि ठीक है तुम इतना कर सकते इतना करो। तो जो मृदु तीव्रम है कि तीव्र हम तपस्या खुद कर रहे हैं पर दूसरों के प्रति मृदु भाव रखना है, यह काफ़ी मुश्किल है। और यह नर नारायण ऋषि दर्शाते हैं कि बी स्ट्रिक विथ योर सेल्फ बट बी काइंड विथ अदर्स। खुद के साथ आप तीव्रता से कार्य करो पर दूसरों के साथ नम्रता से, स्नेहता के, स्नेह के साथ कार्य करो। तो उस तरह से हम करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में उसके द्वारा हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। और एक पॉइंट के साथ मैं अंत करूँगा कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत तपस्या करते हैं, किसी में बहुत वैराग्य आ जाता है तो फिर वैराग्य कारण वो दूसरों के बारे में परवाह नहीं करेंगे कि मुझे तो वैराग्य आ गया है तो फिर मैं अगर किसी परिवार में हूँ तो बाकी परिवार वालों की परवाह नहीं करूँगा, मुझे वैराग्य आ गया है तो मैं दूसरों के साथ भक्तों के साथ भी रह रहा हूँ दूसरों के भक्तों की परवाह नहीं करूँगा। तो भी वो अगर वैसे हो रहा है तो वो वैराग्य का उद्देश्य हम समझ में नहीं आ रहे। डिटैचमेंट इज नॉट एब्सेंस ऑफ इमोशन, डिटैचमेंट इज एब्सेंस ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस। कि जब हमारा किसी में वैराग्य होता है उसका मतलब नहीं है कि वो जो वैरागी व्यक्ति है वो भावना रहित है, दूसरा व्यक्ति बड़े ही परेशानी में है और ये व्यक्ति इतना वैराग्य कि उसको कुछ संवेदनशीलता है ही नहीं, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब क्या है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भावनात्मक स्तर से निर्भर नहीं है। अभी इसका फर्क जो है, डिटैचमेंट इज नॉट एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट इज एब्सेंस ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस। इसका उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उनके पास एक छोटा बच्चा आया है और छोटे बच्चे को अभी कोई दवाई देनी है, कोई इंजेक्शन देना है। अभी इंजेक्शन देना है तो वो बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन से बहुत दर्द है, मुझे नहीं लेना है, और तुम इतने क्रूर हो, तुम मुझे दर्द देते हो, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे जाना है यहाँ से। और वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, वो डॉक्टर को बुरा भला कहने लगता है। और वो डॉक्टर सोचता है अरे ये बच्चे को इतना दर्द हो रहा है, मेरे पास इतना बुरा कह रहा है, चलो इंजेक्शन नहीं देते उनको, इंजेक्शन नहीं देते उनको। अगर वैसा भाव रखेंगे तो क्या है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर का कार्य नहीं कर पाएगा। तो अभी डॉक्टर को यहाँ पे विरक्त होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए मतलब कि उसके दूसरों के भावनाओं पर निर्भर नहीं हो चाहिए। भले ही वो व्यक्ति को दर्द होने वाला है पर अगर वो ज़रूरी है तो वो इंजेक्शन देना चाहिए। तो ये व्यक्ति मुझे बुरा भला कहेगा इसीलिए मैं ये नहीं करूँगा, अगर दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहेगा, यही इकलौता एक मापदंड है जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो वो क्या है, वो इमोशनल डिपेंडेंस हो गया है और वो है अच्छा नहीं है। धृतराष्ट्र का इस तरह से दुर्योधन के प्रति इमोशनल डिपेंडेंस था, कभी दुर्योधन को नाराज़ ही नहीं कर पाते थे। दुर्योधन कोई भयानक कार्य भी क्यों ना कर रहा हो, धृतराष्ट्र उसको ना नहीं बोल पाते थे और इससे क्या हो गया, दुर्योधन अपने विनाश में चला गया। तो ये जो है किसी भी व्यक्ति पे भावनात्मक स्तर पे निर्भर होना, यह उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है। पर भावनाएं ही ना होना वह भी अच्छा नहीं है। मैं लगभग 15-16 साल पहले मैं काफ़ी बीमार हो गया था और लगभग एक साल तक डॉक्टरों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बीमारी है। तो अलग 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 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो अभी किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो कई बार ब्लड सैंपल हो गया था मेरा, ब्लड टेस्टिंग हो चुका था। तो एक बार वो एक नर्स वापस ब्लड टेस्टिंग करना था, तो उनको अभी क्या होता है, ब्लड टेस्टिंग करने से उनको उस समय जो
जो वेन उचित जगह पे उनको वो सुई डालना होता है, पर क्या हुआ था, तभी मेरे पूरे दोनों हाथ सुई के होल से पहले से भर चुके थे, इतना सारा ब्लड सैंपल हो चुका था। तो अभी कहाँ सुई डालना है, तो लगभग 7-8 मिनट के लिए वो हाथ पे ढूंढ रहे थे नर्स कि कहाँ मैं सुई डालूँ। अभी वो कह सकते थे कि अगर तुम्हारा इतने बार टेस्टिंग हो जाए वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम है, पर वो है अभी दर्द, अभी सुई डालना दर्द तो है, पर अगर पहले से वहाँ पे चुभ चुके हैं तो वहाँ पे अधिक दर्द हो सकता है। तो कभी कभी दर्द देना ज़रूरी है व्यक्ति को, पर इसका मतलब नहीं कि हम परवाह न करें इस व्यक्ति को कितना दर्द हो रहा है। तो हमें दर्द अगर कुछ कैसे करना भी है, अगर जिससे कि दर्द होने वाला है तो कम से कम दर्द करें। तो वो जो संवेदनशीलता है बहुत ज़रूरी है, और जब हम उस व्यक्ति पे भावनात्मक स्तर से निर्भर नहीं हैं तो हम भावना रख सकते हैं पर उन पे भावनात्मक निर्भरता नहीं होती। तो अच्छा ठीक है, मैं अगर व्यक्ति को ऐसे कुछ बोलूँगा तो उनको बुरा लगने वाला है, पर अगर ये बोलूँगा नहीं तो ये बुरा कार्य करने वाले हैं और उससे बड़ी समस्या होने वाली सबको। तो ठीक है, मैं उनको बोलूँगा पर ये पब्लिक में नहीं बोलूँगा। पब्लिक में बोलेगा तो सबको लगेगा कि उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं, उनको लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मैं अकेले में उनको, और ऐसा मैं बताऊंगा कि वो एक अच्छे मूड में हैं, और मैं उनको पहले उनकी सराहना भी करूंगा। क्या है कि कभी कभी सर्जरी करनी है तो पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि क्या होता है, व्यक्ति को दर्द होने वाला है पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्द मत हो। तो उस तरह से अगर हमें किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना भी है, उनको अगर उनको कुछ निंदा करनी है, उनको कुछ दोष बताना है, तो इस तरह से बताए कि वो उनको कम से कम दर्द हो। अभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ठंडी गर्मी होती है, ठंडी होती है, तो हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। कुछ लोग ठंडी में भी सिर्फ ना एक कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं, कुछ लोग ठंडी हो जाती है तो उनको 2-3 कपड़े पहन के फिर भी कांपते हैं। तो अभी हर एक शरीर अलग है, हर एक मन अलग है, तो हमें उस व्यक्ति की दृष्टि से देखना है उस व्यक्ति को इस पर क्या परिणाम हो रहा है। तो हमारे स्तर से हम दूसरों को अगर जज करते हैं तो तभी हम क्या कर रहे हैं, जजमेंटल बन रहे हैं। तो जजमेंटल मतलब कि हम हमारे स्तर से दूसरों को परीक्षित करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तुम क्यों नहीं कर सकते, पर मैं अलग हूँ तुम अलग हो। तो जब सारे वानरों को सीता के खोज में जाना था तो तभी क्या हो गया, सारे वानर सागर के पास में आ गए, और सारे वानर राम जी के भक्त थे, सब में राम की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा थी। और जब सब जा रहे थे सब ने राम से आशीर्वाद लिया था, पर फिर भी वे सब वानर नहीं जा पाए, और जो नहीं जा पा रहे थे उन्होंने कह दिया कि हम इस सागर के पार कूद नहीं सकते हैं। और तब सब ने मिलके हनुमान जी की ओर मुड़े, और हनुमान जी जाके आ गए तो हनुमान जी गर्वित नहीं हो गए, तुम सब निकम्मे हो, मैं यहाँ पे जाके आ गए। वो जब साथ में आए तो सब में साथ में आके बताया कि हमारी जो टीम है वो यशस्वी हो गई है। तो इस तरह से अगर हमें किसी टीम में, किसी ग्रुप में, किसी समुदाय में कार्य करना है तो मृदु तीव्र जो भाव है, खुद तीव्र रहो पर दूसरों के प्रति मृदु रहो, यह भाव हमें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और नरनारायण ऋषि ये दर्शाते हैं किस तरह से हम खुद के साथ तीव्र रह सकते हैं, स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, पर दूसरों के साथ हम काइंड रह सकते हैं, संवेदनशील रह सकते हैं, हम उनसे मधुरता से व्यवहार कर सकते हैं। तो यह जो नरनारायण ऋषि है वह भी एक भगवान के एक महान अवतार है, और जैसे भगवान के अवतार आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, तो वे भी धर्म संस्थापन करने आते हैं, और उनके उदाहरण से तपस्या कैसे करनी है और तपस्या करते समय कैसी चेतना रखनी है वह हमें सबको सिखाते हैं। सब नारायण ऋषि से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमें तपोबल प्रदान करे, और तपोबल प्रदान करते समय नम्रता रखने का, संवेदनशीलता रखने का, सहानुभूति रखने की भी क्षमता प्रदान करे। श्री नरनारायण ऋषि की जय। तो सारांश में आज चर्चा की, किस तरह से ये जो कहानी में विदुर और उद्धव की मुलाकात होने के बाद उद्धव अभी बता रहे हैं कि मैं नारायण ऋषि के पास जा रहा हूँ, तो कृष्ण जो अभी चले गए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि तुम मेरा संग नरनारायण ऋषि के पास जाके प्राप्त कर सकते हो।
और मेरे वचन वहाँ पे बता के तुम मेरे सानिध्य का अनुभव कर सकते हो। तो हमने देखा कि कैसे यह संकेत के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि बद्रिकाश्रम इतना विख्यात है कि जगह के नाम बताए के बिना उसकी विशेषता बताने से समझ जाते हैं किसके बारे में बता रहा है। तो विशेषता है नरनारायण ऋषि के बारे में कि विशेषता बद्रिकाश्रम के वहाँ पर नरनारायण ऋषि रहते हैं और ये भगवान के विलक्षण अवतार है क्योंकि ये जुड़वे है और भगवान छोटे भाई बड़े भाई होने का रस अपने विस्तारित अंगों से वो अनुभव करते हैं अलग अलग अवतारों में, पर जुड़वे भाई जुड़वे होने का जो विशेष रस है वो इस अवतार में वो अनुभव करते हैं। और हम देखते हैं कैसे वो कोऑपरेटिवली सहयोग के साथ कार्य करते हैं। सहस्र कवच जो होता है उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है, पर दोनों साथ में कार्य करके सहस्र कवच को मारते हैं और खास करके विस्तारित रूप में देखा कैसे वो हमें तपस्या कैसे करनी है, धर्म का वो एक अविभाज्य अंग है वो दर्शाते हैं। तो तपस्या का क्या महत्व है, हम देखा कि हम तीन क्षेत्रों में रहते हैं, शरीर समाज और निसर्ग, और तीनों क्षेत्रों से हम कुछ लेते हैं, हमें उसके प्रति कुछ देना है। तो शरीर के साथ हमें तपस्या करनी है, समाज में दान देना है और निसर्ग के साथ के लिए यज्ञ करना है। तो जो तपस्या करने की शक्ति है मतलब क्या है, वो कि हम वर्तमान का त्याग भविष्य के लिए करते हैं। यह सारे जीवों में मानव मानवता की विशेष लक्षण है और भौतिक जगत में भी प्रगति करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसे विद्यार्थी एक उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान के भोग को त्याग देते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी ज़रूरी है। तो अभी तपस्या करते समय कई बार हम दूसरों के जो तपस्या नहीं कर पा रहे हैं उनको हम नीचा देखने लगते हैं, और उससे क्या होता है हमारा अहंकार बढ़ जाता है और दूसरे उस तपस्या करने से दूर चले जाते हैं, तपस्वी लोगों से दूर चले जाते हैं। तो हमें खुद के साथ तीव्र रह सकते हैं पर दूसरों के साथ मृदु रहना है, वह नरनारायण रुचि दर्शा रहे। साथ में तपस्या करते हैं, साथ में तपस्या करने से वे कि एक व्यक्ति कमजोर वो दिशा चाहते कि दर्शाते कैसे हमें संघ जरूरी है। एक व्यक्ति अगर कमज़ोर हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति मदद करता है, दूसरा व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है पहला व्यक्ति मदद करता है। और जब हम तपस्या इस तरह से कर रहे हैं तो अगर हम जजमेंटल होना दूसरों के प्रति नीचे देखना वो उसको टालना है तो कैसे कर सकते हैं, हम दो चीज़ देखेंगे कि हम समझना कि असली वैराग्य क्या है। वैराग्य मतलब भावना न होना नहीं है, भावनाओं पर निर्भरता न होना। जैसे डॉक्टर जो होता है अगर इंजेक्शन देना है किसी बालक को, भले ही बालक रोए फिर भी इंजेक्शन देगा, पर अगर उसको पहले से कहीं घाव है वहीं पे इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, कहीं और इंजेक्शन देना चाहिए। तो कभी कभी दर्द तो करना पड़ता है किसी को हमारे वचनों से हमारे कार्यों से, पर कम से कम दर्द करे। और यह करने के लिए हम कैसे समझे कि हम देखा जाए कि दूसरों को हम अगर मापना है तो वो हमारे स्तर से नहीं मापना है, उनके स्तर से मापना है। इस वातावरण में मुझे ठंडी नहीं लग रही है पर तुम्हें क्यों ठंडी लग रही है, पर तुम्हारा शरीर मुझसे अलग है। तो इस तरह से हम मृदु बन जाएंगे तो न केवल हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे पर हम दूसरों को भी आध्यात्मिक प्रगति और त्याग के मार्ग में प्रेरित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सवाल समय है, डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस? तो किसी कोई प्रश्न है अभी? तपस्या करते समय उसको हम ज़्यादा समय तक उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए तपस्या जो करनी है उसको हमेशा छोटे छोटे टाइम यूनिट्स में डिवाइड करो। सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में ये वापस कभी नहीं करूँगा, तो क्या होता है तो हमारा मन कहेगा बड़ा मुश्किल है, ज़िंदगी भर तुम नहीं कर पाओगे, कैसे जी पाओगे, ये नहीं हो पाएगा तुमसे, और हम अगले ही दिन उसको कर देंगे। तो क्या होता है, मेक अ फाइनाइट रेजोल्यूशन, मैं एक महीने के लिए एक हफ्ते के लिए ऐसे नहीं करूँगा इस चीज़ को,
या इस चीज़ को मैं करूँगा, और फिर उसके बाद मैं जब कर सक, अगर हम ऐसे ऐसे निर्धार करते हैं कि मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं करूँगा ये चीज़ या ज़िंदगी भर ये चीज़ करूँगा, तो क्या है उस निर्धार में यश है ही नहीं, उसमें सिर्फ पराजय ही है। मैं एक साल तक वो चीज़ कर नहीं करूँगा और एक चीज़ साल के बाद अगर मैं एक चीज़ कर देता हूँ तो क्या हो गया, प्रयास तो गया, तो वो नकारा वो एक बार जो दैट्स ऑल। इस प्रकार का जो निर्धार है इट सेट्स अस अप फॉर फेलियर, उसमें जो है हमें हमारा जो पराजय है वो एक बार काफ़ी काफ़ी उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए फाइनाइट रेजोल्यूशंस कि मैं एक महीने के लिए एक साल के लिए नहीं करूँ, और एक महीने के बाद नहीं करने के बाद ऐसे फिर हम थोड़ा जब हो जाता है अगर कर पाते हैं एक महीने के लिए तो फिर उसके बाद में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आपकी कृपा से मैं कर पाया, और फिर अहंकार के भाव से नहीं पर हम सबको भी सबको इस जगत में प्रोत्साहन चाहिए होता है। तो कभी कभी हम दूसरे लोग हमें प्रोत्साहन देते हैं और दूसरे लोग अगर प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं तो हमें खुद को ही प्रोत्साहित करना होता है। तो तभी यू कैन राइट अ लेटर एप्री कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर सेल्फ, अहंकार के भाव में नहीं कि देखो मैं इस समय में ये कर पाया, और फिर भविष्य में जब हम खुद हताश हो जाते हैं निराश हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय में ये कर पाया था मैं, और ऐसे नहीं है कि मुझे हाँ कभी कभी होते हैं कि हमारी जो शक्ति है कमज़ोर हो जाती है, इच्छा शक्ति हम कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, पर देखो मैं उस समय कर पाया था। तो उससे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन हमेशा हमें कमज़ोर कर रहा है। तो जब हम खुद को ऐसे सराहना करते हैं ऐसे नहीं कि अहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, पर हमारे बुद्धि से विश्लेषण करके जो भगवान की कृपा से हमको शक्ति मिली है क्षमता मिली है उसका एहसास और उसकी याद हम खुद को दे रहे हैं, और फिर बाद में जब हम हताश हो जाते हैं कभी कभी तो पढ़ सकते हैं कि देखे उस समय मैं कर पाया था, हमको याद रहेगा पर क्या हम भूल भी सकते हैं कि मैं कर पाया था, पर कैसे कर पाया था, क्या किया था मैंने उस समय, ऐसे याद रखेगा तो क्या होता है इट इज़ बेसिकली मैं बोला त्याग बोला था, त्याग हम करते हैं तो क्या एक तरह से हम हमारे बुद्धि को एक तरह से एक प्रकट रूप में उसको हमारे सामने रख रहे हैं, वी आर कीपिंग द प्रोडक्ट ऑफ आर इंटेलिजेंस रेडी फॉर यूज फ्यूचर यूज इन बैटलिंग विद द माइंड, कि जब हमारा मन जो है बहुत शक्तिशाली बन जाता है तो तभी हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। पर अभी अगर हम वो मन पे एक महीने के लिए एक हफ्ते के लिए जीत पाए हैं तो फिर वह एक लिख के रखो वो क्यों मैंने ऐसे किया, कैसे कर पाया मैं, ये करने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे, कैसे इससे मैं प्रगति कर सका, तो वो सब हमारे बुद्धि से विश्लेषण करके हमें लिख के रखा होता है। तो फिर क्या होता है बाद में अगर मन बोलता है ये नहीं ये बड़ा मुश्किल है क्यों कर रहे हो नहीं कर पाओगे तुम, तो तभी आप ये पढ़ सकते हो। और फिर इस तरह से हम क्या है अगर किसी को आपको कोई नारियल खाने को देता है बोलता है आप मुँह खोलो नारियल खा लो, नारियल नहीं खा पाएंगे हम, नारियल को काटना पड़ेगा हमको। तो वैसे ही हमें कोई बड़ा निर्धार लेना है तो उसको छोटे छोटे यूनिट में काटो, वैसे करने से हम जितना भी कर पाएंगे उससे हमको एक थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और कभी नहीं कर पाएंगे तो ऐसे नहीं कि पूरा पराजय हो गया ठीक है अभी नहीं कर पाया मैं पुनः उठ जाता हूँ और पुनः कर लेता हूँ। तो हमें देखना चाहिए कि वी मे फॉल डाउन बट वी शुड नेवर फॉल अवे। फॉल डाउन मतलब क्या है कि हम इस कोई स्तर के अनुसार कार्य करना चाहते हैं पर उस स्तर पे हम नहीं रह पाते नीचे गिर जाते, पर फॉल अवे मतलब हम इतना हताश हो जाते हैं कि हम भक्ति छोड़ देते हैं कि मैं प्रयास ही नहीं करूँगा छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अभी वैराग्य ले लिया है, अच्छा किसका, वैराग्य से वैराग्य ले लिया मैंने तो वैसे नहीं हो जाए, प्रयास करते रहना चाहिए, और तो भले गिर जाएंगे तो पुनः उठ के प्रयास करें। ओके यस ब्रो, अगर कोई व्यक्ति भक्तों पे भावनात्मक स्तर पे निर्भर हो जाता है और केवल भावनात्मक स्तर पे निर्भर है तो फिर क्या होगा, ऐसे बुरा नहीं है हम किसी भी पद्धति से भगवान की ओर आ सकते हैं। क्या है कि लोग साधारणतया
चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। सातवें अध्याय में भगवान बताते हैं, जो दुखी है, जो दुखी है, जो दुखी है और जो दुखी है। क्या भगवान बताते हैं कि चार प्रकार के लोग आते हैं, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, जो अर्थकामी है और जो दुखी है। पर वास्तव में क्या है, अगर दुख नहीं होगा तो भगवान के पास नहीं आएंगे लोग। जिज्ञासु भी है तो आजकल की दुनिया में आप गूगल सर्च करो, कितना सारा जिज्ञासा आप कर सकते हैं। अब भगवान के बारे में आध्यात्म के बारे में जिज्ञासा क्यों करोगे? क्योंकि इस भौतिक जगत के बारे में कुछ आप असंतुष्ट हो, उसे तो उसके बारे में चर्चा करोगे। तो आजकल के समाज में भावनात्मक स्तर पे जो दुख है, क्लेश है, वह बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग अकेलापन महसूस करते हैं। See, the worst loneliness is not when there is no one around you. The worst loneliness is when there is no one around you who understands you. सबसे बड़ा अकेलेपन ऐसे होता है कि हम एक ऐसे द्वीप में फंस गए जहाँ पे कोई भी मानव नहीं है, तो अकेलेपन है। पर उससे बड़ा अकेलेपन कब होता है कि हमारे पास सारे चारों ऐसे लोग हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति हमें समझता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम किस चीज़ से किस पर से जा रहे हैं, अगर कोई समझता ही नहीं है तो वो अकेलापन बहुत काटता है, बहुत दर्दनायक होता है वो। तो अभी ये जो अकेला, जैसे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, शरीर को वायु चाहिए होती है, उसी तरह से हमारा जो हृदय है उसको लोग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई मुझे समझे, ये बहुत ज़रूरी है। और यह अगर नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। और कई बार लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो किसी से बोल सके, इसलिए अकेलापन इतना ज़्यादा है तो बोलने के लिए जाता है, कोई बोले मैं बोलूँ और वो सुने, उसके लिए जाते हैं वो। तो कोई भावनात्मक स्तर पे पीड़ित है और वो उसके कारण भक्तों के संग में आते हैं, तो उनको वो उस तरह से भक्तों के संग में आश्रय अगर मिलता है तो वो अच्छा ही है, बेहतर है कि ना केवल लोग कभी कभी लोग भावनात्मक से अकेले होते हैं तो क्या होता है, शराब की दुकान में चला जाओ, बाकी शराबियों के साथ आप शराब पियो और जो भी बोलना है बोल दो, तो वो उससे अच्छा है कि भक्तों के संग में आ जाए। पर उसके साथ साथ क्या है कि हमें उनको तभी, अगर कोई बहुत पीड़ित है तभी जो भी उनको सहानुभूति है, जो उनको सहाय है, हम दे सकते हैं उनको। पर धीरे धीरे उनको हमें क्या करना है, ये बताना है कि हम भक्तों के संग में केवल भावनात्मक सपोर्ट, भावनात्मक सहायता के लिए नहीं आ रहे हैं, हम आध्यात्मिक सहायता के लिए आ रहे हैं। कि अगर दूसरे किसी भी उद्देश्य से हम आते हैं तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसे आएगा कि भक्तों के समाज में भी हमें कुछ ऐसे भक्त हो गए जो असंवेदनशील हो गए, ऐसे हमको लगेगा कि ये परवाह ही नहीं करते, ऐसे क्यों कर रहे हैं, फिर अगर मैं यहाँ पर आया क्यों, अगर ये भक्त ऐसे भी बर्ताव करते हैं तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और फिर क्या होगा, हमारे भक्ति में एक भूकंप जैसे आ जाएगा। तो अभी कैसे है कि मैं अभी न्यूजीलैंड में था, मैं वेलिंगटन में था और क्लास दे रहा था, और अचानक मैं देखा कि सब लोग हिल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, और बाद में देखा मेरे को हिलने लग गया था। तो तभी एक छोटा सा भूकंप हो गया था वो। तो जब अभी भूकंप, अगर मान लीजिए अगर वहाँ पर दरवाज़ा है, गेट है मंदिर का, वहाँ पर भूकंप हो रहा है, तो वह मुझे प्रभावित करेगा पर उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि अगर मेरे नीचे यहाँ पे भूकंप हो रहा है, क्योंकि उससे तुरंत मुझे प्रभाव हो रहा है। तो कैसे है कि भगवान केंद्र है और हम सब भगवान की ओर अलग अलग कारणों से आते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये मेरी संस्कृति है, मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग, मुझे अकेला रहता हूँ, मैं मुझे भक्तों का, भक्त अच्छे लोग हैं, मुझे वहाँ पर आता हूँ मैं। तो ऐसे अलग अलग कारणों से हम आते हैं। तो क्या है कि अगर हमारा जो केंद्र है वह भावनात्मक आश्रय वह है, तो फिर अच्छा है कि कम से कम उसके कारण हम भगवान के पास आ रहे हैं। ये न के न प्रकारेण या अकामह सर्व कामो वा, किसी भी कारण हम भगवान के पास आए। पर अगर हम वहीं पे रहते हैं तो कभी न कभी तो भी वहाँ पे भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाएगा मतलब भक्तों के समाज में ही ऐसे कोई भक्त हमसे ऐसे बर्ताव करेगा, बड़ा बुरा भला कह देगा, ऐसे कैसे कोई भक्त बर्ताव कर सकता है। तो अभी जब वहाँ पे भूकंप होता है तो तभी हमें चुनाव करना है कि मैं इधर जाऊँगा, कृष्ण से दूर जाऊँगा, या कृष्ण के और पास आऊँगा। तो जब ऐसे अगर कोई भावनात्मक स्तर पे आ रहा है, ठीक है, हम जितना उनको भावनात्मक आश्रय दे सकते, पर
कभी कभी ऐसे हो जाएगा, कुछ लोग होते हैं इंग्लिश में तो क्लिंजी कहते हैं, क्लिंजी मतलब ये हमेशा वो पकड़ के रहते हैं, समय चाहिए समय चाहिए समय चाहिए, कर लो ये करो वो करो, तो फिर क्या है? वैसे हम उस प्रकार का आश्रय हम नहीं दे सकते। हाँ, तो फिर उनको जब वो नहीं मिलेगा तभी वो देखें यहाँ पे मुझे कुछ और उससे भी बड़ा मिल सकता है, और फिर वो आगे आ सकते हैं। वो आगे आ जाएंगे तो फिर क्या उनको भगवान का आश्रय मिलेगा। भगवान का आश्रय मतलब क्या है कि दैट इज़ नॉट इमोशनल डिपेंडेंस, इट इज़ स्पिरिचुअल डिपेंडेंस। वो भावनात्मक निर्भरता नहीं है, वो आध्यात्मिक निर्भरता है। और उस पर जब हम पहुँचते हैं तो तभी क्या होता है, कभी कभी भावनात्मक स्तर पर हमको आश्रय नहीं भी मिलेगा तो भी हम भगवान का आश्रय नहीं छोड़ेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण है द्रौपदी और पांडव। अभी द्रौपदी एक स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी जो होती है अपने पति के समा को एक प्रकार का आश्रय संरक्षण से अपेक्षा करती है। अब द्रौपदी के 5 पति थे, पर ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनमें से एक भी उसका संरक्षण नहीं कर पाए, और तभी क्या हो गया, मान उस उन द्रौपदी के जीवन में एक भूकंप आ गया था, और वो देख रही थी अपने पतियों को कि उसका उनके साथ ऐसा अपमान हो रहा है और वो सब शांत बैठे हुए। पर तभी उन्होंने क्या किया, वो जो भूकंप हुआ तो वो भगवान के और करीब आ गए। ठीक है, अगर ये जो मेरे पति मुझे अभी से ज़रूरत है, मेरे पति नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं भगवान का आश्रय। तो इसीलिए अगर कोई भावनात्मक स्तर पर भी आ रहा है, पर उनको हमें तत्व ज्ञान बताने का प्रयास करना चाहिए, उनको तत्व ज्ञान के द्वारा कैसे भगवान परमाश्रय ये समझाना चाहिए। तो अगर वो समझ जाएंगे तो फिर क्या, जब ऐसे भूकंप आ जाएगा तो वो और आगे आ जाएगी, और नहीं तो फिर वो जब भूकंप आ जाएगा तो चले जाएंगे। और हमें कोई भी भगवान से दूर जाता है तो अच्छी बात नहीं है, पर वो अगर भगवान के पास आ रहे, भक्तों के संग में आ रहे हैं, और जब भक्तों के संग में जो प्रधान चीज़ मिलने वाली है उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पर जाता समय तक रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें शिक्षण देना है कि वास्तव में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो कभी कभी हमें लगता है भक्तों का संग बहुत अच्छा है, हाँ वो अच्छा है, पर क्या है, भक्त भी मानव ही है और हम सब में भी त्रुटियाँ हैं, और हम सब में भी कभी कभी अनुचित व्यवहार हो सकता है। तो मैं एक बार एक सेमिनार ले रहा था रिलेशनशिप्स पे, संबंध पे, तो मैं पूछा कि हम जब भक्ति कर रहे थे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो क्या क्या सहन करना पड़ता है? तो एक भक्त बड़े उत्साह से हाथ उठाए, क्या? मैं भक्तों को सहन करना पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छी बात, ये अच्छा साक्षात्कार है कि भले ही हमें कभी भक्तों से परेशानी हो जाएगी तो भी हमें भक्तों को सहन करना चाहिए, और अगर आप आगे और भक्ति करते रहोगे, प्रगति करोगे, तो फिर आप समझोगे कि भक्त भी आपको सहन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे भक्तों में त्रुटियां हैं और हम उनको सहन कर रहे हैं, हम में भी त्रुटियां हैं और वो भी हमको सहन कर रहे हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य भगवान के पास जाना, तो कभी हम दूसरों को सहन करते हैं, कभी दूसरे हमको सहन करते हैं, और म्यूचुअल टॉलरेंस इज द वे टू ट्रांसेंडेंस, कि एक दूसरों को सहन करने से ही हम ट्रांसेंडेंस दिव्य स्तर पर जा पा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवद्गीता के श्लोक में 14वां 15वां श्लोक है ताम दीक्षस्व भारत, और 15वां श्लोक है यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस तरह से सहन करता है वह अमृत को प्राप्त करता है, वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। ओके, डू वी हैव टाइम? ओके, आखिरी सवाल। तो एक हम श्लोक बोलते हैं नारायण नमस्कृत्य एवं जीवन अमृतम दिव्य सरस्वती व्यासम तत्र जय मूर्ति भवे। तो यहाँ पर तीनों का आपने व्याख्यान किया कि राम और लक्ष्मण के रूप में दिया हुआ है, और कृष्ण और बलराम के रूप में, और तीसरे जो बताए थे दो किसी कुएं के रूप में हुए। तो ये किस तरह से समझा जाए कि मतलब तीनों में ना नारायण एक ही तरह है या मतलब अलग अलग, किस तरह से समझा इसको? ओके, तब ये नर नारायण एक ही है या अलग अलग है? तो एक व्यवहारिक रूप से उनके दो व्यक्ति है वो, और यहाँ पे नारायण, जैसे हम कहते नारायण नमस्कृत्य धर्म चैव नरोत्तमम, तो हम क्या कर रहे हैं, दो व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं, दो व्यक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। तो अभी ये भगवान एक अवतार दो रूप में लेते हैं, तो इसके मतलब क्या, ये एक अवतार है या दो अवतार है? वो एक ही अवतार है, पर भगवान की लीला के द्वारा उनके एक अंश को
उनका लगभग समान पार्षद बनाया गया है, किसे कृष्णा और अर्जुन जो है वह अभी अर्जुन जीव है, कृष्ण भगवान है। अभी कुछ कुछ समय में ऐसे होता है कि अभी भगवान की शक्ति तो बहुत ज़्यादा है भक्त से, पर अभी उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने फैसला किया मैं युद्ध नहीं करूँगा, और भगवान अपने भक्त के सेवक बन गए। मतलब उस समय में उन्होंने क्या किया है, भगवान ने अपने भक्त से भी छोटी भूमिका ली है, और भगवान की शक्ति से उन्होंने अपने भक्त को अपने से बड़ी भूमिका दी है। ऐसे कभी कभी कृष्णानंद महाराज के चप्पल अपने सिर पर उठा के लाते हैं, तो अभी ये तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये धर्म की ग्लानी है क्या, भगवान के सिर पर किसी का चप्पल रखे तो, पर क्या है वो, और लक्ष्मण जो है भरत जो है वो रामचंद्र का चप्पल अपने सिर पर रखते हैं वो, पर ये भगवान की इच्छा से भगवान किसी भक्त को अपने से भी ऊंचा पद दे सकता है। तो उसी तरह से भगवान अपनी इच्छा से किसी भक्त को अपने से बिल्कुल समान का भी पद दे सकता है। तो जो नर है वो भगवान नहीं है, वो अर्जुन है, वो भगवान के भक्त है, पर भगवान की शक्ति से उन्होंने नारायण ने नर को अपने से ही बिल्कुल समान पद दिया है। और क्योंकि उन्होंने इस तरह से पद दिया है, क्योंकि वो दोनों एक अविभाज्य साथ में ही रहते हैं, तो इसीलिए जब प्रणाम करते हैं दोनों को प्रणाम करते हैं। जैसे राम की प्रार्थना होती है तो कभी कभी राम का जो दर्शन होता है तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनंदन। तो अब न केवल रामचंद्र को प्रणाम करते हैं पर उनके जो पार्षद है उनको भी प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से नारायण ही भगवान है, नर भगवान नहीं है, पर क्योंकि इस अवतार में वो दोनों साथ में आए हैं तो इसे नारायण के साथ नर को भी हम उतना हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस लीला में वो दोनों साथ में हैं, दोनों को समान मात्रा में शक्ति है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।